हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली मैं 1 मंथ के बाद कोई वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं फाइनली यूपी से एमपी में सेट कर गई हूँ। लेकिन फिर भी अभी भी मेरा पूरा घर सेट नहीं हुआ है। कुछ सामान जो है वो अभी कार्टून में ही है, जिसे मैं धीरे धीरे खोल रही हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि चलो अपने काम पे थोड़ा वापस आ जाए। फिर भी मैं वीडियो बहुत जुगाड़ लगा लगा के शूट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ भी मिल नहीं रहा है। रिंग लाइट कहाँ है, ट्राईपॉड कहाँ है, तो बस कुछ भी पता नहीं चलता है। शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मेरे 1 मंथ टोटली चले गए हैं शिफ्टिंग में, पर मैं अब सोच रही हूँ कि मैं वीडियो में फिर से रेगुलर हूँ जैसे पहले थी, और अब मैं कोशिश करूँगी कि फिर से पहले की तरह रेगुलर हो जाऊँ। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ नाइट स्किन केयर रूटीन, वाइली स्किन के लिए, जो आपको मॉनसून और समर में बहुत ही काम आने वाले हैं। मॉनसून में बहुत पिंपल्स आ जाते हैं। मेरे तो बहुत सारे स्किन केयर कहाँ गया था, कुछ पता नहीं चल रहा था 1 मंथ से, तो मेरे तो बहुत सारे पिंपल्स निकल आए। तो मैंने कुछ स्टेप है जो सिंपल सा है कि आप उसे तुरंत फॉलो कर लोगे, यानी कि जल्दी फॉलो कर लोगे और आपके पिंपल्स भी गायब हो जाएंगे। देखो मेरे नेल्स कैसे, यहाँ तक कि नेल पेंट और रिमूवर भी नहीं मिल रहा है कि मैं नेल्स अपने साफ़ करूँ। तो चलिए, कोई आप इग्नोर करना इसे। तो मैं आपके लिए लाई हूँ सिंपल सा 2 स्टेप नाइट स्किन केयर रूटीन, जो कि वाइली स्किन के लिए, एक्ने वाली स्किन के लिए, पिंपल वाले स्किन के लिए, जिसे फॉलो करके आपके पिंपल्स कम टाइम में आप फॉलो करेगा और पिंपल आपके रात भर में छू मंतर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने नाइट स्किन केयर रूटीन को। और मानसून भी जोड़ों पे है, बादल की आवाज़ आपको आ रही होगी, सावन बहुत गरज गरज के बरस रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है फेस वॉश। फेस वॉश जो भी आप यूज करते हो अपने घर पे, जो आपका करेंट फेवरेट है, उससे आप अपने फेस को वॉश कर लो। उसके बाद, इसके बाद मैं वीडियो पूरी वॉइस ओवर करने वाली हूँ। तो आप अपने फेस को कर लिए अच्छे से वॉश अपने फेस वॉश से। उसके बाद हमें कर लेना है पैड ड्राई। पैड ड्राई करने के बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ एक फेस पैक, जो मेरा करेंट फेवरेट है, वो है ब्रांड सीड सीक्रेट की तरफ से आयुर्वेदिक नीम एंड मुलेवेरी लिप्स पाउडर मास्क। ये प्योर है, ऑर्गेनिक है और आपके स्किन के लिए 100% सेफ है। इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। चलिए पहले देख लेते हैं हाउ टू यूज। तो इसका 1 या 2 टेबल स्पून आपको लेना है, और उसके बाद इसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। एक बार पूरा पानी ऐड नहीं करना है, ऐड थोड़ा थोड़ा ऐड करके आप एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लें। पेस्ट तैयार हो जाए तो मैं, तब तक मैं आपको इसका बेनिफिट बताती हूँ। ये रिमूव करेगा आपके ब्लैक हेड्स को, वाइट हेड्स को, क्लियर करेगा एक्ने एंड डार्क पिगमेंटेशन को। ये एक्सेस ऑयल को भी ऑब्जॉर्ब करेगा एंड रिड्यूस करेगा वेलिमेस्टेज को, एंड आपकी ये आपकी स्किन को एक्सप्लोरिएट भी करता है और क्लींज भी करता है। और इसे देखिए रेडी है हमारा पेस्ट, इसे आपको अप्लाई कर लेना है पूरे फेस पे। ये मास्क आपके स्किन ही नहीं, बालों के लिए ही बहुत अच्छा है। ये डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है, इचनेस को दूर करता है, ड्राइनेस को दूर करता है एंड प्रमोट करता है हेल्दी हेयर एंड स्किन को। तो आपको इसे इवनली पूरे स्किन पे कर लेना है अप्लाई। और ये मेड इन इंडिया है, और अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना है 15 से 20 मिनट जब तक ये ड्राई ना हो जाए, और ड्राई करने के बाद आपको वॉश कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें है ब्रांड सीड सीक्रेट्स की तरफ से बाय बाय एक्ने पैचेस, जो हाइड्रा क्लोराइड एंड सिसिलिक एसिड है इसके इंग्रेडिएंट। एक्ने पैचेस तो एक्ने को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये सभी जानते हैं। तो ये एक्ने पैचेस आपको नाइट में यूज करना है 7 से 8 आवर के लिए अपने एक्ने पे। देखिए मेरे यहाँ पे एक्ने है, तो मैं इसे ही, इसमें 2 साइज के मिलते हैं आपको, बड़े और छोटे। तो मेरे छोटे इससे एक्ने हैं, तो मैं उस पर इसे अप्लाई कर लूँगी और मैं रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, और मेरे एक्ने जो है वो गायब हो जाएंगे। इसमें आपको 36 पैचेस मिलते हैं, और आपको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो इस प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरी स्किन बहुत ही अच्छी हो गई है इस फेस पैक के बाद। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।